उससे सबक पोश हूँ या मैं उससे अलग हूँ, ऐसी बात नहीं। मेरे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। पर इतना है कि आप किसी और जगह खिदमत अंजाम दे दें, मैं यहाँ पर मेरी खिदमत है शहर में, पर इतना ही है और ज्यादा बात नहीं है। आप वही पढ़े हुए हैं, वही कुरान पढ़े, मैं भी वही कुरान पढ़ा, है ना। हम सब वही हैं, एक ही कश्ती के सवार हैं, एक ही कश्ती के हम सब सवार हैं, कोई आगे कोई पीछे। गलती हर एक से हो सकती है, इंसान है हर एक, कोई दूसरा भला नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है। सिर्फ ये मुजाकिरे के तौर पर कुछ बातें कही, कोई पढ़ा हुआ सबक याद दिलाया जा रहा हूँ, खुला हुआ सबक, जो सबक हम पढ़ चुके हैं, जिस सबक के फिर पढ़ने में ताखीर हो जाती है, तो फिर शुरू से 12 दिन तक पकाना हो तो उस वक्त तक उसका क्या करते हैं, आगे दूसरा पढ़ा शुरू नहीं करते, कैफत रहना सब सही है ना। तो उसके बाद उसका क्या करते हैं, आगे सबक देते हैं, तो खुला हुआ सबक उनको याद करना है। अगर हम बोलते हैं तो आप हमें याद दिलाइए, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कुछ ऐसी तंबीह करना है या आपके ऊपर लकड़ी लेकर बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मुजाकिरे के तौर पर कही जाती है बातें, जो काम सलीके से हो और जो काम असूल के तहत हो वो काम जरूर सब तरह आता है। काफी अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं और आप हजरात को मशवरा दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि मालूमात तो सब आप लोगों को, दीनी मालूमात बहुत ज्यादा है, आलिम हजरात है, हाफिज है, तो दीनी मामले में हम लोग आप लोग नहीं बोल सकते, लेकिन दुनिया के मामला जो है उस तालुक से हम थोड़ा बहुत कर सकते। तो अभी हम लोग इससे पहले सैयद नगर गए थे, सैयद नगर में जो है तो सतना कैंप वगैरह हुआ था, तो वहां पे देखने के बाद काफी वो हुआ कि खवातीन वगैरह पर्दे का भी ज्यादा एहतमाम नहीं है, और हमारे एक साथी पूछे लोगों से भाई दीनी तालीम वगैरह का कुछ किताबें वगैरह वगैरह पढ़ना ही नहीं आता बोले, अगर लेडीज को नहीं आता बोले, जेंट्स बोले हमको ही नहीं आता, औरतों कहाँ से आते हैं, मतलब पत्थर फोड़ वगैरह करके जो है वो जिंदगी ला रहा था। मुझे साथ थे उस दौरान हमारे साथ सफर में, तो काफी वो लगा कि ये जमाने में भी ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ते, कोई जमान में पढ़ना लिखना आता ही नहीं, हालांकि ये जमाना कैसा है, एकदम एडवांस जमाना है, ये दौर में भी कोई भी उर्दू इंग्लिश तेलुगु कोई जमान बाकी नहीं, मतलब इतने पढ़ने के तालुक से ऐसे भी लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उम्रें हो जा रहे हैं, तो इस तालुक से थोड़ी फिक्र करना हमारे जरूरी, क्योंकि इस्लाम भी क्या है, सुनने पहले इल्म के तालुक से ही होती है, इल्म के तालुक से इल्म बोलते ही किताबी इल्म जो जो भी इल्म है तो इल्म जरूरी है। तो अब ये खवातीन में खासकर मर्द हजरात में, तो आप लोग मसाजिद में भी बच्चों को इसको तालीम दे रहे हैं, खवातीन में और लेडीज में तालीम के सिलसिले में थोड़ी फिक्र करके अगर वहां पे आप लोगों के जो फैमिलीज हैं अगर वो उर्दू में पढ़ा सकते हैं या दीनी तालीम या कुछ असलाफियात पे बात कर सकते हैं, तो देखिए उसमें कुछ भी हथियार वगैरह रख के हम लोग तो आपके फैमिली से भी कुछ वो करेंगे इंशाल्लाह, घंटा दो घंटे वक्त निकाल के अगर वहां पे है अभी ताड़ करके उर्दू वगैरह से वाकिफ है ग्रेजुएट है बता देते, तो वहां पे भी जो है तो तब से तालीम नहीं है, बुनियादी मसाइल है, वो नमसाने वालों सूर्य याद नहीं है, नमाज कैसे पढ़ेंगे वो लोग, तो जब औरतें ऐसे रहेंगी तो उनकी बच्चों की तबीयत कैसी होंगी, तो ये सब फिक्र की बात है। तो अभी अगर हम शुरू करें तो थोड़े दिन में जो है इंशाल्लाह काफी तब्दीली आ सकती है, जहां भी ऐसे हालात है अगर आप लोग खवातीन में भी कुछ निजाम कर सकते हैं तो बताइए इंशाल्लाह, उनके तालुक से भी कुछ सिलेबस वगैरह भी किताबें असलाफियात की और दीनी छोटे छोटे किताबें वो भी मुहैया करेंगे।